स्पेशल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादी हमले में मारे गए तालाब तिल्लो निवासी शशि अबरोल के घर का दौरा किया और पीड़ित परिवार से संवेदना प्रकट की। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाले बख्शे नहीं जाएंगे और जल्द ही पुलिस उनको अंजाम तक पहुंचाएगी। उपराज्यपाल ने कहा कि APCO इंफ्राटेक कंपनी को तत्काल मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि SREK के तहत प्रत्येक मृत नागरिक के परिवार को 6 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि APCO इंफ्राटेक द्वारा 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सभी घायलों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उपराज्यपाल ने कहा कि मृत नागरिकों के परिवारों के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। बाहर के लोग और कुछ स्थानीय जेडमोर टनल पर काम कर रहे थे, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है। तो मौके वारदात पर DGP और जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान गए थे। मैं खुद भी आज इस किम्स में घायल लोगों को देख के आया और अभी एक मृतक परिवार से व्यक्तिगत रूप से मिला। सुरक्षा बलों को पूरी आज़ादी दी गई और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही जिन लोगों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया है तो उसकी निंदा नहीं बल्कि उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया जाए, ये जरूर जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। सर पिछली बार एक बड़ा एक्शन लिया था सर पुलिस ने, जब टारगेटेड किलिंग पिछली बार शुरू हुई थी, इस बार किस तरीके से पुलिस को आपने कहा है काम करने के लिए? उससे भी तगड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। उनके परिजनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। जिस कंपनी का काम चल रहा था उस कंपनी ने भी 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। SRE में भी 6 लाख रुपए हर परिजन को दिया जा रहा है और भी SRO 43 में जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं उनके लिए नौकरी का प्रबंध कैसे होगा ये जल्द देखा। सर लगता है चुनाव में जिस तरीके से मुखी खाई है पाकिस्तान ने, उसी की बौखलाहट जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। स्वाभाविक रूप से पड़ोसी के पेट में दर्द ज्यादा है, इस तरह फोर्स ने करेगा लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।